आप सभी लोगों का नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और जैसा कि मैंने अभी तक आपको पिछले दो सत्रों में बताया कि किस तरह पाकिस्तान के साथ भारत के तीसरे युद्ध की गतिविधियों की पृष्ठभूमि थी, उसके बारे में आपको अवगत कराया, और अब हम आपको वहाँ की आंतरिक स्थिति पर लेकर चलते हैं। देखिए, पाकिस्तान के दो भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसको जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो जिन्ना ने उसके लिए जो जिस चीज़ को जिम्मेदार ठहराया या जिस चीज़ के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया वो था इस्लाम, इस्लाम की स्थापना, इस्लामिक राज्य। वो ये बात भूल गए कि इस्लाम के नाम पे तो इतने देश शुरू से हैं। और उसके लिए एक अलग की क्या मतलब था, लेकिन अंग्रेज़ों को भी ये सूट करता था क्योंकि उनको भारत के पहले एक राज्य खड़ा करना था जो कि कम्युनिज्म के प्रभाव में ना आए। कैसा हुआ नहीं, पाकिस्तान आज चीन की गोद में जाकर बैठ गया है, तो इंग्लैंड वालों के तो ये तो थ्योरी फेल हुई है। दूसरी चीज़ क्या थी कि एक सबसे बड़ा जो बात की गई थी वो यही थी कि एक इस्लामिक राज्य होगा। बाद में हालांकि जिन्ना इस चीज सब चीज़ों से थोड़ा सा हटने लगे और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, इस्लाम के नाम पर है, एक ज़मीन के टुकड़े के लिए है, लेकिन वहाँ पे सभी धर्मों को अपने हिसाब से रहने की आज़ादी होगी। जब वो यहाँ से जाने लगे तो पूछा, भाई सब तो यहाँ से मुसलमान नहीं गए, कुछ मुसलमान तो यहाँ भी हैं, तो उनका क्या? तो कहा ठीक है, वो अपने भारत के लिए या हिंदुस्तान के लिए वफादार बन के रहे। मतलब जिन्ना के साथ होता यही था कि वो अक्सर अपना कार्ड खेलते थे, फिर उससे पीछे हट जाते थे। तो वो एक एरिए का एक क्षेत्र को लेके बांटना चाह रहे थे, वो पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र नहीं चाहते थे। जब उन्होंने देखा एक बार हवाई सर्वे में तो उन्होंने बस सर पकड़ लिया, लेकिन उसका वो अपराध कर चुके थे जिसके सिर्फ एकमात्र दोषी जिन्ना है। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि जब बात सामने आई जिन्ना के, भाई आखिर आपका इतिहास क्या होगा, क्योंकि इतने मुस्लिम देश हैं दुनिया में, तो आपका इतिहास क्या होगा? तो अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखें तो कहाँ से शुरू होता है? उसकी आज़ादी से, 14 अगस्त 1947। आप डिमांड कर रहे हैं ना, तो आप कहाँ से आप जाएंगे? तो उसका जिन्ना वहाँ से जोड़ते थे, मतलब जहाँ पर जब थट्टा के ऊपर, आपको याद होगा इतिहास में, राजा दाहिर के ऊपर अरब के खलीफा के कहने पर वहाँ की सेना ने सिंध में दाहिर पर आक्रमण किया था, तो वो उसको वहाँ से जोड़ते थे एक तरीके से हिंसक गतिविधियों से। और आज भी पाकिस्तान का अगर आप इतिहास देखें तो अक्सर अपने आप को वो वहीं से जोड़ते हैं, क्योंकि कोई ऐसी कोई उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो है नहीं जिसके हिसाब से उनके देश का विभाजन होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, अब हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियों पर। तो पाकिस्तान की जो पश्चिमी पाकिस्तान है, इसमें देखिए आज की तारीख में चार राज्य हैं मोटे मोटे, लेकिन उस समय जब बात की गई थी पाकिस्तान की तो एक मजे की बात यह है कि कश्मीर का उसमें कहीं भी जिक्र नहीं था। मैं शुरू की बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान के उसमें उस डिमांड में ये दिल्ली को जोड़ते थे। अब दिल्ली को क्यों जोड़ते थे? भाई दिल्ली में तो कहते हैं ना, भाई हमारी रियासत थी, लाल किला हमारा होता था, अब वहाँ पर आकर अंग्रेज़ों ने लिया था, बहादुर शाह जफर, तब ये वहाँ की बात करने लग जाते थे। तो घाल मेल तो शुरू से था, अब पा गए, है ना, वो एक कहावत है हिंदी में, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो कुनबा तो जोड़ लिया। अब पंजाब का भी इन्होंने दो टुकड़े कर दिए, एक भारत के पास रहेगा एक पाकिस्तान के पास रहेगा। चलो कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान जो था, देखिए ये शुरू से बंगाली लोगों का गढ़ था, ठीक है, और मीर जाफर वगैरह भी वहीं पे हुए थे, सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई भी उसी क्षेत्र में हुई थी पहले, लेकिन मानने को तैयार तो हुए नहीं जिन्ना साहब, इससे कोई भारत से कनेक्शन है। लेकिन उन्होंने क्या किया भाई, उसको उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ईस्ट पाकिस्तान लेंगे, ठीक है।
वहाँ की भाषा थी बंगाली, वहाँ के रहने वाले लोग मेजॉरिटी में तो मुसलमान थे लेकिन भाषा बोलते थे बंगाली, जो आज भी आपके पश्चिम बंगाल में, आधा उड़ीसा में, आसाम में लोग बोलते हैं बंगाली, जहाँ भी आप समझ रहे होंगे वो उसको बोलते हैं, उसमें कोई दुराय नहीं थी, वो बंगाली भाषा के लोग थे। और जो उनका धर्म था उसमें मेजॉरिटी के लोग तो मुस्लिम थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी संख्या में लोग हिंदू भी थे, हिंदू बंगाली। अब समस्या की जड़ यहीं से शुरू हो गई। इन्होंने अच्छा, वहाँ जो ईस्ट पाकिस्तान था जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, उसकी जो पॉपुलेशन का जो घनत्व था वो पश्चिमी पाकिस्तान से ज़्यादा था, वहाँ पे आबादी ज़्यादा रहती थी, इसीलिए वहाँ की जो प्रांत विधानसभा कह लीजिए या पाकिस्तान का जो संसद में जो सीटें थीं वो ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा थी। ठीक, आपको दो चीज़ कन्फर्म हो गई, पहला ये कि भाषा उधर की बंगाली थी, बंगाली बोलने वाले लोग थे, वो उसमें मेजॉरिटी में मुस्लिम थे लेकिन हिंदू भी अल्पसंख्यक थे, नंबर एक। नंबर दो, पश्चिमी पाकिस्तान को सत्ता का केंद्र बनाया गया, राजधानी दोनों जगहों की कराची हो गई, लेकिन भाषा जो थी वो एक तरफ की जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था उसकी बंगाली थी, जो वेस्ट पाकिस्तान था उसकी भाषा जिन्ना ने उर्दू रखी। और यही नहीं, इन्होंने ये भाषा थोपी, किस पे थोपी, ईस्ट पाकिस्तान में, और कहा कि राज की भाषा, मतलब राज्य के जो कामकाज की भाषा होगी वो तो उर्दू ही होगी, बंगाली होगी नहीं। अब बताइए, जो मतलब आदमी आपके साथ रहने के लिए आ रहा है, अगर आप ये कहते भाई कि ठीक है कोई बात नहीं उर्दू होगी और दूसरी भाषा हम बंगाली कर देंगे, ट्रांसलेशन उसका भी हो जाएगा, या अगर आप ये बोल देते, अच्छा अब देखिए ज़्यादा आबादी किसकी, पूर्वी पाकिस्तान की, ज़्यादा कौन बोलता, बंगाली, वो आप उर्दू कहाँ से ला रहे हो। अच्छा आप एक और मज़े की बात, जिस उर्दू को आप ले रहे हो आप ये भूल जाते हो वो तो हिंदी से निकली है, हिंदी और फारसी दोनों मिला के उर्दू हो गई, तो आपका अपना था क्या, जिन्ना ने आजाद देश तो तोड़ दिया लेकिन अपना कुछ था नहीं। खैर आगे चलते हैं, तो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान में जो कब्जा था सत्ता में, सेना में, वो पंजाबी पठानों का था, पंजाबी पठान जो पंजाबी वाली उर्दू बोलते थे, और ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो थे वो बंगाली बोलते थे। इसके अलावा क्या हुआ, जो भारत से लोग पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए उनको वहाँ पे मुहाजिर कहा गया, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये शरण पाए हैं। अच्छा जब इस्लाम की स्थापना कर रहे हो और इस्लाम की स्थापना बंधुत्व के नाम पर है, भाईचारे के नाम पर है, तो भाई कैसा मुहाजिर, तुम्हारा भाई हुआ। अब अगर आप उसको मुहाजिर कह रहे हो तो मतलब कि जिन्ना की यहाँ पे दो राष्ट्र की थ्योरी फेल हो गई। अब आपको मैं ये एक तरीके से भी प्रूफ करूँगा कि जिन्ना की थ्योरी द्वि राष्ट्र सिद्धांत की फेल कैसे होती है, वो भी देखिएगा ही। अब एक जो सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर के, दोनों तरफ के मैटर को लेकर के कहीं ना कहीं आंतरिक और आर्थिक असंतोष बढ़ता रहा। पाकिस्तान करता क्या था कि देखिए, कपड़ा हो, ढाका का मलमल फेमस था, कुटीर उद्योग हो, कपड़ा उद्योग हो, जूट का उद्योग हो, ये सारी चीज़ें ईस्ट पाकिस्तान में थी, और सब कुछ फ़ायदा ले ले उसका, पैसे का तो ले ले वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन जब बात आती थी विकास के क्षेत्र की तो विकास ज़्यादा हो रहा था पश्चिमी पाकिस्तान में, ना कि पूर्वी पाकिस्तान में। अब इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं पश्चिमी पाकिस्तान में दुविधा भी थी कि भाई आखिर आप हमारा विकास क्यों नहीं करते, उधर का विकास क्यों करते हैं ज़्यादा। इस बीच क्या होता है कि पाकिस्तान का जो संविधान होता है पहला, उसको थोड़ा सा बनने में टाइम लग जाता है। देखिए पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा जो शुरू से वो रहा, ये रहा कि उधर कोई योग्य लोग तो थे नहीं। आज़ादी के डेढ़ पौने दो साल के बाद जिन्ना की मृत्यु हो जाती है, लियाकत अली की बहुत चलती नहीं है, फिर उसके बाद वहाँ पर सेना का रूल शुरू हो जाता है, सेना अपने हिसाब से चलाती है,
और पाकिस्तान में नया संविधान बनना, पुराना ख़त्म करना, एक आम बात हो जाती है। और शुरू से वहाँ पर लोकतंत्र गड़बड़ाता रहा, प्रधानमंत्रियों का बनना और हटना वो इतनी जल्दी होता था शुरुआत के वर्षों में कि नेहरू जी कहते थे कि हमने तो जितनी जल्दी हम मैं जितनी जल्दी धोती नहीं बदलता उतनी जल्दी तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। मतलब कहा जाता है कि इस्कंदर मिर्जा के टाइम में 4-5 प्रधानमंत्री आए और गए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति वहाँ की रही होगी। अब इन सब चीज़ों में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही थी कि पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर, वो उसको ना मानता ही नहीं था, बंगाली कहता था, शोषण करता था वहाँ पर। और 65 में इनको हार मिल गई, और जब हार मिली तो अयूब खान की सरकार थी और विदेश मंत्री हुआ करते थे उस ज़माने में जुल्फिकार अली भुट्टो, कहा जाता है कि सबसे बड़ा हाथ तो उन्हीं का भड़काने में था, और भुट्टो वहाँ के राजनीति में हावी हो जाते हैं। जब ये वहाँ पे हावी हो रहे थे उसी समय एक चीज़ पूरी पाकिस्तान में हो रही थी कि पूरी पाकिस्तान में अपनी चीज़ों को भी लेकर लोग डिमांड करने लगे थे, और वहाँ पर कहा जाता है कि आवामी लीग का काफ़ी अच्छा रोल चल रहा था। आवामी लीग धीरे धीरे अपना जड़ पकड़ रही थी, सब कुछ कर रही थी, और बदकिस्मती कहिए कुछ भी कहिए, इस बीच पाकिस्तान में आम चुनाव हो जाते हैं 71 के पहले। अब सोचने की बात है जहाँ की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ की सीट ज़्यादा होगी। पाकिस्तान की संसद में शायद 300 सीटें थीं उस ज़माने में, मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, और कहा जाता है कि 162 163 सीटों पे में से लगभग लगभग 160 सीटों पे इनका कब्जा हो गया आवामी लीग का। और जाहिर सी बात है कि अगर 300 सीट होंगी और 160 पर आ जाएंगे, ये 160 प्लस पे आ जाते हैं, तो केंद्रीय विधानसभा या मेन संसद में तो प्रधानमंत्री बनने का हक तो अवामी लीग के मुजीबुर रहमान का हो गया। लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े थे, दोनों की प्रांतीय विधानसभा और केंद्रीय संसद में सीटें थीं। 300 सीटों के केंद्रीय संसद में 160 के ऊपर सीटें आ गईं आवामी लीग की मुजीबुर रहमान की, तो जाहिर सी बात है कि बहुमत आवामी लीग का हो गया। अब आवामी लीग तो पार्टी थी इस पाकिस्तान की, जिसका वेस्ट पाकिस्तान वाले कभी साथ देते नहीं थे और ईस्ट पाकिस्तान को पिछड़ा हुआ समझते थे, वहाँ के लोगों का शोषण करते थे, उनका सिर्फ आर्थिक शोषण करते थे, विकास करते नहीं थे, सब चीज़ें थी जिस चीज़ को लेकर के अवामी लीग बात करती थी। तब सरकार तो बन गई अवामी लीग की और मुजीबुर रहमान साहब बन जाते प्रधानमंत्री, तो भाई ये तो पूरा सत्ता का खेल बदल गया। पाकिस्तान के दो टुकड़े थे पहले ही, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान को सत्ता का केंद्र बनाया गया था, लेकिन यहाँ तो आके बैठ गए, बहुमत पा गए पूर्वी पाकिस्तान वाले, मुजीबुर रहमान और आवामी लीग। यही चीज़ जुल्फिकार अली भुट्टो को और उस समय के जो राष्ट्रपति थे याह्या खान को पसंद नहीं आई। अच्छा, पाकिस्तान के जो भुट्टो साहब थे, जो ये बेनजीर भुट्टो के पिताजी जुल्फिकार अली भुट्टो, इनकी पार्टी थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, PPP, 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 पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उसको सीट मिली थी 80, 160 के ऊपर सीट पाए थे आवामी लीग, तो ये बात तो सहन नहीं हुई। तो याह्या खान साहब ने क्या किया कि उस समय क्योंकि भुट्टो हावी थे राजनीति में, इन्होंने संसद को स्थगित कर दिया। अब जैसे स्थगित हुआ तो आप बताइए भाई, जिसको सत्ता मिल जाए कितना खुश होगा।
प्रधान बन करके आदमी खुश हो जाता है, यहाँ तो प्रधानमंत्री बनने की बात थी। तो याह्या खान साहब के इस फैसले के खिलाफ भाई ईस्ट पाकिस्तान में आंदोलन शुरू हो गया। अब आवामी लीग ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब मुजीबुर रहमान ने यहाँ तक घोषणा कर दी कि अगर आप हमको नहीं मानते हो तो हम आज से अलग देश हैं। अब इस बात पर पाकिस्तान ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको कहाँ ले गए, हवाई जहाज से में कैद किया, हवाई जहाज के थ्रू उनको उठा करके पश्चिमी पाकिस्तान ले गए। अब हालात तो वहाँ के भाई बड़े गंभीर होने लगे, वहाँ पे रोज आंदोलन शुरू हो गए। अब इस आंदोलन को कौन दबाएगा इसके लिए, अब क्योंकि वहाँ पे सरकार तो भाई राष्ट्रपति और जो कुछ कहिए सेना ही होती थी। तो याह्या खान ने भेज दिया टिक्का खान को, और टिक्का खान के बारे में कहा जाता है कि उसको बारे में फेमस था कि इसी आदमी ने बलूचिस्तान में भी अपना आतंक फैलाया था, कसाई था, बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से फेमस था। इसने वहाँ जाकर के कई लाख बंगालियों का कत्लेआम किया, कहते हैं 3-4 लाख महिलाओं का तो बलात्कार किया। इतने लोगों के आप सोचिए नरसंहार और बलात्कार के बाद आखिर वहाँ की आबादी वहाँ कैसे रहेगी, अपनी सरकार मार रही है, अपने लोग मार रहे हैं कि तुम प्रधानमंत्री मत बनो, तुम्हारे लोग ना बने, कितना बड़ा शोषण कर रहे हैं। तो भाई वहाँ के लोगों ने फिर आकर के भारत में शरण लेना शुरू किया और धीरे धीरे इनकी संख्या 1 करोड़ के आसपास पहुँच गई। तो भाई हिंदुस्तान ने कोई सराय तो खोल नहीं रखी है, हम कोई धर्मशाला तो है नहीं। भारत इस मुद्दे को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में गया, वहाँ पर भी उनका कोई साथ नहीं दिया गया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो तो सब सबके तो गोद में ही खेल रहे थे बैठ करके। पाकिस्तान कभी चीन की गोद में बैठे, कभी अमेरिका की गोद में बैठे, कभी यूरोप की गोद में बैठे, कोई करैक्टर तो था नहीं पाकिस्तान का, कोई चरित्र भी नहीं था। तो भारत के इस मुद्दे को वहाँ पर कोई तवज्जो दी नहीं गई, जब तवज्जो नहीं दी गई तो भाई क्या करना पड़ेगा। भारत की प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी जी ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध कहते हैं जनरल को बुलाया, सैम मानेकशॉ को, कहते हैं कि दोनों की बातें आपस में बहुत अच्छी दोस्ताना होती थी। और एक कहावत है कि आपस में कि ये एक बार अपने इंटरव्यू में खुद कहा था सैम मानेकशॉ ने कि मेरी भी नाक लंबी थी, इंदिरा गांधी की भी नाक लंबी थी। उन्होंने जब कहे जब देखे इतना फेमस हो गए थे ये व्यक्ति सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल थे भारत के पहले, तो पूछा था कि सुना है कि तुम हमारी सत्ता पर कब्जा करना चाहते हो। तो सैम मानेकशॉ ने कहा देखिए मेरी भी नाक लंबी है, आपकी भी नाक लंबी है, लेकिन मैं अपनी नाक आपके मामले में नहीं लड़ाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती थी, याराना था, और कई फ़ोटो ऐसी आती हैं जहाँ पर सामने दोनों बैठे हुए हैं अच्छे से बात कर रहे हैं। तो पूछा भाई तुम हालात देख रहे हो कुछ करो, तो सैम मानेकशॉ समझ गए। सैम मानेकशॉ ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। कह क्यों, कह मेरे करने का मतलब एक ही होगा, वो आप समझते हैं युद्ध। भाई अब सेना क्या करेगी, सेना तो कोई शांति के पाठ तो करेगी नहीं। तो इंदिरा गांधी के जी के बारे में कहा जाता है, उन्होंने कहा कि जो भी होगा मैं उस पर तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि अभी कर दो, ये बात है गर्मियों की, अप्रैल मई की। तो सैम मानेकशॉ ने एक बात बोली, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। कह क्यों, कहे अभी अगर हम करेंगे तो मानसून आएगा और बांग्लादेश में बारिश ज़्यादा होगी, नदी नाले सब उफान पे होंगे, सेना आगे बढ़ नहीं पाएगी। बात समझिए, दिमाग देखिए फिर से सेना का। सैम मानेकशॉ ने कहा अगर अभी करता हूँ तो मानसून आएगा, नदी नाले उफान पर होंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऊपर से गर्मी का दिन है, चाइना ऊपर से आ सकता है। मैंने अभी बात की थी आपसे पिछली क्लास में अक्साई चीन वाली, ये लोग अलग करना चाहते थे, चीन पाकिस्तान दोनों मिलकर नॉर्थ ईस्ट को काटना चाहते थे। कह ऊपर से चीन आ सकता है, 62 में आया था। कह जो कुछ होगा वो जाड़े में होगा, क्योंकि जाड़े में क्या है, अगर उधर से चीन भी आना चाहेगा, जो भारत की सेना की चाल थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोच थी, स्पष्ट सोच थी जो दिखती है कि अगर जाड़े में चीन ऊपर से आना भी चाहेगा तो नहीं आ पाएगा।
क्यों? क्योंकि बर्फ जम चुकी होगी। नवंबर दिसंबर में अगर हम अपना कार्रवाई करते हैं तो मानसून बीत चुका होगा, चीन ऊपर से आ नहीं पाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी को समस्या ये थी कि तब तक कैसे किया जाए, टाला कैसे जाए। तो कहा आप एक काम करिए, तब तक ऐसा करते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, सेना को तैयार तो कर दें। अच्छा, हम जाहिर सी बात है कि ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उनके देश का अपना मैटर है और हम उसमें कैसे कर सकते हैं कुछ भी। तो सबसे पहले एक मुक्ति वाहिनी की स्थापना की गई, मुक्ति वाहिनी को एक तरीके से पूरी ट्रेनिंग दी गई। वो अपने लिए लड़ रही थी, वो वहीं के लोग थे, उनको गुरिल्ला ट्रेनिंग दी गई। और इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण काम किया गया कि पता था कि चीन जिनके हाथ की कठपुतली है, चीन जिनकी गोदों में जाकर बैठेगा, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें भी अपना बचाव करना होगा। तो शांति और मित्रता की हमने एक संधि करी सोवियत संघ के साथ कि जब भी कोई किसी देश पर हमला होगा तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। सोवियत संघ तैयार था, ठीक है। अब दो प्रॉब्लम, अब देखिए दो चीज़ थी, चीन कम्युनिस्ट आता, उसके लिए हमने उसको काउंटर करने के लिए हमने एक अपना दूसरा कम्युनिस्ट भाई ढूंढा, सोवियत संघ, नंबर एक। नंबर दो, कहीं ना कहीं तो सोवियत संघ को भी तो इस बात का दुख था कि 65 वाली आग के चक्कर में लाल बहादुर शास्त्री की विजय हो गई, अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, समझौता था, एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दिमाग में तो बात रही होगी ताशकंद वाली भी। और दूसरी एक चीज़ ये थी कि पाकिस्तान नो डाउट वहाँ पर जितना अत्याचार कर रहा था वो सब चीज़ें पाकिस्तान के बारे में सोवियत संघ को भी दिख रही थी। तो हमने इस चीज़ से बचने के लिए कि कल को हम पे कोई अटैक हो जाए या अमेरिका या यूरोपीय शक्तियाँ कुछ हमला करें, हमने सोवियत संघ को पकड़ा, क्योंकि उसके पास वीटो पावर था, उसके साथ दोस्ती करी। और उसके बाद हमने सेना को तैयार रहने के लिए कहा, मुक्ति वाहिनी की स्थापना की, मुक्ति वाहिनी को गुरिल्ला ट्रेनिंग दी सेना ने, भाई आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, क्योंकि अत्याचार हो रहा था वहाँ के, 1 करोड़ लोग इससे ज़्यादा यहाँ पर शरण ले चुके थे, दसियों लाख लोगों को पाकिस्तान की शरण में मारा था, और 4 लाख महिलाओं का कहा जाता है कि बलात्कार पाकिस्तान की सेना ने किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि 300 सीट में से 160 आपकी आ गई तो आप प्रधानमंत्री ना बने। जूट और जितने व्यापार थे सब बिल्कुल पाकिस्तान ने तबाह कर दिए थे वहाँ। और इस तरीके से करके पाकिस्तान ने अपने ही लोगों का अत्याचार किया। अब प्रश्न था क्या कि भाई भारत क्या करेगा, अब किस तरीके से भारत के और पाकिस्तान का जो तीसरे युद्ध का जो घटनाक्रम था आगे बढ़ेगा। तो मैंने आज आपको इस सत्र में कुछ चीज़ों के बारे में बता दिया कि भारत को किस तरीके से चीज़ों को क्लियर करना था। भारत को पता था कि पाकिस्तान उधर जाएगा यूरोपीय खेमे और रूस और अमेरिका की तरफ, हमने उसके लिए रूस को सेट किया, संधि करी, अप्रैल में जो होने वाला हमला था उसको रोक करके नवंबर दिसंबर तक के लिए गए, तब तक हमने तैयारियाँ करी, ट्रेनिंग कराई और चीज़ों को समझा। हमने अपनी तरफ से सारा प्रयास करना चाहा, क्योंकि अगर आप उस तरफ उस समय के इंटरव्यू देखें उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का, तो कहीं नहीं कहती कि युद्ध हमारे मूड में है और कभी नहीं चाहते थे युद्ध। लेकिन इतने 1 करोड़ लोगों की जो बोझ है वो हम कैसे सहन करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय कोई सहयोग हमको नहीं मिल रहा था, पाकिस्तान को कोई समझाने वाला नहीं था, अत्याचार अनाचार हत्या बगल में हो रही थी, और अंत में था तो हमसे ही टूटा हुआ भाग ना, हम कैसे के शांत रह सकते थे? तो इन सब चीज़ों को देखते भारत सरकार और सेना क्या कदम उठाएगी आपको विस्तृत में बताया जाएगा। धन्यवाद।